प्रकाश जब मेरी क्या शैम्पू नहीं हो रहा तो कोई खाने का मन करे तो बेचन कहीं काफी भूल जाएगी तो देखिए मैं भूल गया रही और मैं तेरा मैं देखो भूल कर दूंगा ये मैं तेरा मैं। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री माँ का। तो हम आज बनाने जा रहे हैं बेसन की, थोड़ा सा हमारा गुलाब बेसन पर छुपाते तो हम बेसन की पकौड़ी बनाने जा रहे हैं। सारा स्ट्रीट फूड हो चुका है, देखिए तेल तला भुना चुना 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 सब चीज़ें यही खाते हैं तो सबको आजकल यही पसंद आता है तो यही बनाना पड़ता है। तो तेल गर्म होने देते हैं अपना, तो हम अपना एक घोल तैयार कर लेते हैं। सब वही बेसन डाला है, थोड़ा सा नमकीन गरम मसाला धनिया मसाला थोड़ी सी हींग सब डाल ली हमने। अपना घोल तैयार करके सब अपने पकौड़ी, जब कुछ खाने का मन करे हल्का फुल्का तो अपना थोड़ा सा यही बनाए। छोटी सी हल्की सी रेसिपी है पकौड़ी, सिंपल सी अपनी बेसन की पकौड़ी। जब नहीं दिखे आलू शैम बहुत नहीं हो रहे तो पकौड़ी खाने का मन करे तो बेसन का ही खा के मन बहला ले। तो देखिए इधर हमारा घोल हो गया रेडी और उधर हमारा तेल गर्म हो गया है, देखिए घोल बनकर रेडी है। इधर हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो हम अपनी फ्राई करते हैं पकौड़ी। आप सोच रहे होंगे तेल बार बार वो यूज कर रही, तो हमने जैसे बड़ा पाव बना था अगले दिन वो बनाया था उल्टा बड़ा पाव सब चीज, तो उसका ऑयल बच चुका था तो हमने उसमें ही फ्राई कर दिया। तेल हमने वेस्ट नहीं किया है, हमने उसका ही यूज किया है। तो हमारी गैस बंद हो चुकी थी तो हम गैस चलाते हैं। तो देखिए हमारी पकौड़ी नींद जी ऐसी कुछ बनी है। डाले में अगला भाग, थोड़ा घोल हमारा पतला हो चुका है तो इसलिए थोड़ी सी पकौड़ी अजीब भी हो रही है कड़ी वाली। डोंट माइंड है तो खुद को ही खानी है। ये कब फालतू टाइम हो तो तब टाइम पास करने के लिए ये रेसिपी बना सकते हैं। सॉरी पकौड़ी तो हमने ये कराए टाइम पास से।
बेसन बेस्ट होता है इसलिए गोल। हमने इसके ये पकौड़ी बना दी। तो हम ऐसे ही सारी पकौड़ियाँ उतार लेते हैं कि आपको ये पकौड़ियाँ कैसी लगी, पकौड़ी की एंड बेसन की चकली की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। देखिए